अब लगेगा तमाशा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। क्या तो रात को सही था मुझे कहती है उमर। हाँ वो क्या हुआ था, कल नाराज क्यों गए? कि वो कह रही थी मुझे, कुछ कह रही थी पीछे से मरिया बोल के, आई गॉट यू आई गॉट यू आई गॉट यू। तो वो कहती है वो तुम्हारी बहुत बड़ी बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी। मैंने कहा मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया है बात, और वो कह रही है खैर जो भी है। तो मैंने कहा ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर वो ये भी कहती है, तेरे बारे में भी कह रही थी कि आदि ने मुझ पे स्प्रे क्यों किया। मैंने कब किया? केस के होने ना होने से कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छी है ना। मैंने उसे सजाया, मैंने कहा वो क्योंकि वो जानता है कि तुम इस घर के लिए सूटेबल नहीं हो, इस माहौल के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की। कहते क्या मैं सूटेबल नहीं हूँ मतलब? मैंने कहा वो तुम्हें और शहर को एक ही गेज में रखता है कि तुम दोनों जो हो बस जितना हो गया हो गया, अब इससे ज़्यादा जो है ना वो तुम लोगों के लिए टॉक्सिक होता जाएगा। तो इस वजह से उसने ये किया था कि वो तुम्हें कहा कि तुम घर से जाओ ताकि इजी हो जाए, या मतलब जो भी है तुम्हारे होने ना होने से फर्क ही पड़ता। कहते ओ अच्छा ठीक है फिर। तो उसको क्या लगा? ये लगा कि वो ही डजंट लाइक मी। अरे नहीं भाई इतनी अच्छी लड़की यार। मैंने भी कहा, मैंने कहा नहीं वो ऐसा कोई सीन नहीं है, और आइंदा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कन्फर्म कर लीजिए। मैंने कर दिया उसको जीरो कर दिया। वो एरिटेक वाली बात है ना, एरिटेक करते क्या क्या तंग करना, एरिटेक इरिटेट है, इरिटेट इरिटेज ना। हाँ तो वो उसके साथ किया था निगाह के साथ। हाँ ये इरिटेज ही और क्या है, तो उसका एक तरीका होता है ना, कोई आपको इरिटेट करे जैसे वो कर रहा है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आगे से वैसे उसके साथ करना शुरू कर दो, उसकी ज़िंदगी बंद हो जाएगी, उसकी समझ से बाहर हो जाएगा करना क्या। वही तो किया था। नहीं ऑन कैमरा करें, अभी कोई भी आइटम करे आप उस पर चले जाइए। मैं ख़राब करूँगा अभी, जैसे मेरा काम खराब कर रहा ना। उसका एक तरीका होता बस आगे करते कुछ भी। और ये आई थिंक इसके अंदर है कुछ, ये वो करना शुरू हो जाता है, आ जाता है सामने। कोई कोई भी अपना काम कर रहा होगा, अगर कोई बैठा है ये पीछे अपने उस ह्यूमर के लिए आता है करता है, इसको तंग करने में चिढ़ाने में मज़ा आता है, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर ये है। वो बदतमीजी नहीं है लेकिन वो आदत है, कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग बात की समझदार बात करके लाफ्टर लेते हैं, कुछ शक्ल बना के लेते हैं। सही बात। कुछ बॉडी ह्यूमर के साथ होता है, फिजिकल कॉमेडी करते हैं, कुछ इरिटेटिव कॉमेडी करते हैं जो उनके अपने लिए अच्छी होती है जिससे वो खुश होते हैं, लेकिन लोग शायद उसे चिढ़ते हैं। क्या हुआ इसको? नहीं वो हुआ चोर पुलिस के। मार 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 एवरीवन टू थ्री करो। पता नहीं वो उनका जो चलता रहता है।
बहुत सीरियस लेवल पे चल रही है इनकी, इन दोनों की, इन लड़कियों की दुश्मनी। हाँ, अब क्या हो गया कि मरीहा एक तरफ हो गई है और बाकी ये तीन लड़कियाँ एक तरफ हैं। ये एक अकेली है, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त हैं आदि, उमर, साइन। दिल का बुरा इंसान नहीं है लाला, ये गुस्से के अंदर बात कहती है, कह जाती है, मुस्कुराहट अड़ती है, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी, बुरा इंसान नहीं है। जब कोई मुश्किल में इस तरह की हालत में होता है, ये देखती है, पूछती है उसे, ऐसा नहीं है। और ये बात ये लोग नहीं देख पा रहे, वो गुस्से में है ना एक दूसरे से, इसलिए। अब कल मेरे चेहरे पे अगर स्प्रे हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मैं नफरत करना शुरू कर दूँ लोगों से, ठीक है हो गया, कोई चिढ़ाएगा तो मैं अपना रास्ता बदल के साइड पे चले जाऊँगा, मुझे लड़ना ही नहीं, उसे नहीं लड़ा जाता। ताश खिला जिस जिस सराज, कभी मोमेंटम चेंज, कभी कुछ जिस 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 लाला, ये एक्स्ट्रा चार्ज होगा इसका, तो लाला मेरी साथ की उसकी नहीं किया आपने, लाला इससे एक्स्ट्रा चार्ज होगा। हाँ, उसकी भी की, तेरी भी की। ब्रेकफास्ट डन, मैं यहाँ से निकला भी वो भी आपके लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं जब दम घुट जाना है मेरा, मैं वहाँ जब जाऊँगा ना, तो बाहर जाऊँगा तो मेरे जितने भी हैं उन सबको बोलूँगा कि आपने इसको सपोर्ट करनी, इसको वोट करनी, इतना तो उधार लेके आदमी नहीं माफिया मांगता जितनी तुम मांगो। बस एहसास, एहसास की बात है, बिल्कुल एहसास की बात। अल्लाह तुम्हें परवरदिगार कामयाबी दे, रब्बुल आलमीन। और मैंने क्यों किसी से वो नहीं किया, किसी को, मुझे जो चीज़ नज़र आई मैं कहा यही है जो टफ टाइम दे सकती है इसको, और तुमने दिए हैं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तो कैमरे की आंख से भी देख रहा हूँ। पर लाला कल का दिन इतना हैवी हो गया था, 20 घंटे वो, फिर डिनर, फिर वो, नींद नहीं हुई हुई थी, अजीब मेरी हालत हुई हुई थी, होता सारी नाराजगी आपसे निकल कोई नहीं, मेरे पे निकली ना कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, निकल मेरे घर वाले, मेरे घर वाले कहते कि साल में एक दफा गुस्सा आता है, लेकिन वो जाग की तरह नहीं आता। लोग मियां बीवी में लड़ाई होती है ना, चार चार दिन बात नहीं करते मियां बीवी, हमारी लड़ाई होती है ना, आधा घंटा चलेगी, 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद ये अपने बेटों के कमरों में बैठी हुई है, वहां जाके गाना गा लूंगा तेरे बगैर, तो हंसेगी, फिर जब मैं उसको प्यार करता हूँ तो रोएगी, बहुत रोती है, बहुत रोती है, मेरे पैर चूमेगी, तो वो बहुत प्यार करती है मेरी बीवी मेरे से। और अपने घर की लाडली, ठीक ठाक मालदार लोग, लेकिन उसने मेरे साथ, मेरा, मैं उसकी एक बात बताऊँ आप, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 8 महीने में बिस्तर पे था, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे बाथरूम, उसने किया मेरा 8 महीने काम, जब मेरे बच्चे इतने इतने थे उसने मेरा किया, तो उस औरत को कभी छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ आप सब लोगों को, दिखता है, फिर बाद में नहीं कहना मुझे, दिखता है, मेरी चीजें अगर गायब होंगी तो मैं गुस्से से रिएक्ट करूंगा, मेरे एप्रन वापिस कर दो। मेरे एप्रन वापिस कर दो लाला जी। बंद कौन करेगा इसको, आज मैं सब बातें गुस्से में करूंगा, कोई मुझसे प्यार मोहब्बत अवारापन दीवानापन आज की माशूकी की उम्मीद मत रखना, कोई भी। मैंने वैसे भी उम्मीद बहुत पहले छोड़ दी थी उमर। क्यों? जब तुम मुझे धोखा देके अंगूठी वापस ले गए थे उमर। जाहिर है, तुम घूम कर देती थी बार बार। उमर तुमने कचरे में फेंक दी उमर। कचरे में नहीं फेंकी मैंने। फिर कहाँ फेंकी उमर? मैंने जिस दुकान से ली थी उसके वापिस कर दी। ये दुकान थी वो उमर?
हाँ मुझे कहीं से मिली थी। कोई बात नहीं उमर, दिल टूटा तो क्या हुआ, फिर जुड़ जाएगा। हाँ बाजू टूटा तो फिर जुड़ गया, दिल भी जुड़ ही जाएगा। मैं तेरे तरले पानी हादा भाई हो जानिए। देखो इधर क्या कर रहा हूँ, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। ये धमकियां दे रहा है पीछे खड़े होके, कह रहा है हाथा पाई हो जानी है। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हाथा पाई हो जानी है। मैं जग यहाँ पे रख रहा हूँ, लाला ये अपनी आई पे उतरा है। मेरी हाथा पाई हो जानी है लाला, ये गलत चम्मच से कर रहे हो आप। मेरी हाथा पाई हो जानी है, मैं बता रहा हूँ। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। बहुत भाई तेरा दिमाग है। ओके मेरी हाथा पाई हो जानी है, और सईदा से होनी है, मुझे लग गया। बताओ मेरे साथ। सईदा वार्निंग आ गई, सईदा मेरे साथ लग रहा है ना, चीनी वाला। चीनी वाला हाँ, उम्र की हो सकती है लेकिन ये पराठा आधी की नहीं हो सकती। हाँ हाँ किसके लिए लाला, ये इसने नाश्ता नहीं किया ना, वो नहीं है। हमें तो कभी नहीं बना के दिया, हमें तो चाय भी नहीं पूछी, गर्म पानी भी नहीं पूछा। तो जिसने तुझे पूछा गर्म पानी, तू लाश है, तू निकाल रहा है। तुझे मैंने एक भी गोली मारी है, तूने अभी कहा तू देख, तू देख मैं करूंगा क्या इन लोगों के साथ, तू देख, तू देख। सारा मोशन तोड़ दिया ना। अगर मेरा सईदा से एक रिश्ता बना है ठीक है, तो झूठा नहीं बनेगा। मैं उससे शिकायत कर लूंगी, मेरा आपसे बना मैं शिकायत कर लूंगी। शिकायत तो करो, बनती है, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। इसमें ये थोड़ी है कि मैं वो कर रही हूँ, मेरी शिकायत बिल्कुल बनती है, करूंगी शिकायत। करो बिल्कुल सही, जेन्युइनली है। आपने मुझे आगे से रीजन दिया कि मायरा ये रीजन था, तुम गेम छोड़ के आ गई थी, तुमने ये किया, मैंने माना, मैंने कहा आप ठीक है। उसके बाद छह लोगों ने मुझे आके बोला कि अनुमान ये करता है करता है तुम्हारे बारे में, कॉन्स्टेंट बुराई करते रहते, बुराई। मैंने कहा उस वक्त हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। हाँ ये बुराई नहीं है भाई, एक तरफा अगर बुरा कर रहे हो तो मैं आपको कैसे बोलूँ, बहुत अच्छा करी मेरी दोस्त हो यार, बहुत अच्छी है, इससे अच्छा कोई नहीं है। झूठ क्यों बोलना है? बिल्कुल। मैं अभी पिछले दो तीन रोज से मनहूसों की तरह बैठा हुआ था, हर इस कोने में मैं बेवकूफ हो था, तो मुझे बोलो कि यार इसका तो दिमाग खराब हो गया, तो सच कह रहे हो ना, दिमाग खराब ही हो गया, इसमें माइंड क्या करना है। मैंने नहीं कहा दिमाग खराब वाली बात कभी, अरे कह दो। मैं अगर कभी गलत करूँ ना तो प्लीज मेरे मुंह पे आके ना दो टॉक भी कहना और मेरे पीछे भी कहना, ताकि मुझे शर्म आए, समझ आए। मुझे पीछे वाले लोग नहीं समझ आते, मैं मुंह पे बात करने वाली। आप उस दिन शहर के बारे में खड़े होकर ये बोल रहे थे कि उसके पीठ पीछे बात मत करो, और खुद खड़े होकर उसके पीठ पीछे बात कर रहे थे। नहीं उसके बाद मैंने उनसे कहा भी था कि नहीं हमें नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये उसकी बात, उस तब की बात है जब वो चली गई थी वहाँ नुमान। हाँ वो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि उन्होंने वो बात की, मुझे उसकी समझ नहीं आई। बारे में बोल रहे थे सब, उसके बारे में बोला ना आपने पीछे, बोला ना, बट देन वहीं खड़े होकर आपने उसी वक्त हम लोग जब बोल रहे थे, मैंने कहा उसने ये हरकत की है, ये की है, और मेरी वजह से नहीं की है, वो आपकी वजह से की थी, क्योंकि वो मुझे टॉन्ट आपकी वजह से कर रही थी। और आप पीछे जाकर लड़कियों को क्या बोल रहे थे वो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैंने वो बात की थी और जनरली की थी, मुझे समझ नहीं आई। अगर एक आदमी से मेरा प्रॉब्लम हो ना कि लेट से मेरा हुमैरा से झगड़ा हुआ, तो उसके बाद वो मुझे कुछ कहें। मेरी तो शहर से ना कोई झगड़ा हुआ ना कोई बात हुई, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा परसेप्शन अपने जहन में मेरे लिए बनाया था, जो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, वाई। या तो हर बात में मुझे आके कहती थी अच्छा ये काम कर दे वो कर दे, मैं कर देता था। आप भी मुझे कहते हो मैं कर दूंगा, मुझे सईदा कहेंगे मैं कर दूंगा, मुझे हुमैरा कहेंगे मैं कर दूंगा, मुझे मरीहा भी कहेगी मैं कर दूंगा, मेरी आदत है। हाँ मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं उस तरह रहता हूँ, मुझे लोगों से प्यार करना, उनके साथ अच्छा रहना पसंद है, मेरी आदत में है वो। तो उनके साथ तो मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ, उनके लिए मैंने कभी बुरी बात नहीं की। आप मेरे बारे में कह रहे हैं तो भाई एटलीस्ट मुझे तो कह दें कि नहीं, मतलब वो बोल कर गई है मायरा, वो बोल कर गई है। क्या बोल कर गई है वो? ये रात को पता चला कि वो बोल के गई आप बीच की बिल्ली हो, और वो शहर बोल के गई। हाँ। और उसका इल्जाम उसके पहले आप पे लगा हुआ था कि आप कह रहे हो। हाँ, वो बोल के लगा हुआ था, और जिसने लगाया क्योंकि आप बैठकर उसके साथ कि वो शहर ने कहा। हाँ तो बात क्लियर हो गई ना, आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल जाएंगी। लेकिन क्या मैंने माइंड किया कि आपने मुझे बीच की बिल्ली कहा? तुम दिन के कौन से वक्त में फील करती हो जैसे तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन है? क्या मैं लड़कियों के पास जाती? इतनी एनर्जी वैम्पायर्स हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनसे बात करने का। देखो होता है ना, एक वाइब्स आती हैं लोगों से, लाइक मुझे वाइब्स ही, मुझे द ओनली पर्सन आई वांटेड टू टॉक टू इज ऑन, वो मेरा लड़का है ना, इज नॉट लाइक अ गर्ली गर्ल और गॉसिप उस तरह करके, इसको परवाह ही नहीं है। बट मुझे ये लड़कियाँ ड्रेन करती हैं, इनकी बातें, इनकी सोच, इनकी हरकतें,
so draining. हंसी खुशी रहे, कोई पागल करने की कोशिश कर, एक कान से सुनना है दूसरे से निकालना है। हाँ, मतलब किसी से बदतमीजी नहीं करनी। हाँ। मुझसे बहुत हो गई है लाला से कल रात को बदतमीजी। अल्लाह ताला ना एक बेआवाज लाठी आपके सर पे मारता है और कहता है कि अपनी औकात में वापस आ, खत्म। बिल्कुल। तो मैं अपनी औकात में वापस आ गई हूँ। बड़ों की इज्जत मुझ पे फर्ज है, बेशक। मैं नहीं चीख सकती, मैं ये नहीं हूँ, मुझे आप नाराज हो सकते हो, बस नाराज हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे काबू पाना है इन सारी चीजों पे। ये गेम ही ऐसा है कि आप अपने हवास, अपना काबू, अपनी इज्जत, अपनी तहजीब सब भूल जाएं, यही तो टेस्ट है। लेकिन इसमें आपने बचा के रखनी है ना, कामयाब होना है, बचा के रखना है अपने आसाब को, अपने गुस्से को, सब चीज को। हाँ, अपनी हकीकत दिखाएं, लेकिन वो दिखाएं जो आपके माँ बाप ने पाल पोस के जिस तरह आपको बड़ा किया है। ये बात है। खानदान की इज्जत दिखाएं, बताएं कि आपके माँ बाप कौन है और आपकी परवरिश किस तरह हुई है। मेरी माँ ने जिस तरह मुझे पाला है, मैं वो दिखाऊंगी ना। मैं क्यों लड़ रही हूँ, मैं क्यों झगड़े कर रही हूँ? झगड़ा करो, जहाँ बनता है वहाँ आप करो। नहीं, लेकिन यहाँ क्यों? नाराजगी से हो गया ना, हर्ट थे ना, पर वैसे नहीं मैंने करना। नहीं नहीं नहीं, ये तो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है यार, लाला भी जानते हैं इस बात को, ये तो उस तरह नहीं है, ये हम सब समझते हैं, इसीलिए मैं किसी की बात को माइंड नहीं करता। बिल्कुल। लाला जी, एक मिनट लाला, ये रख। लाला जी, दुआ करने मेरे लिए, जरूर सबके लिए, इंशाल्लाह। मेरे घर में अगर किसी ने यह कहा ना, अगर सुन रहे हैं तो सुन लें कि मैं उमर का फैन हूँ, मैं उसको घर से धक्के धक्के निकाल दूँगा। किसी ने भी कहा? किन के फैंस की इजाजत है? ये तो शो में मुझे तो पता ही नहीं था कौन है क्या नहीं। अब उनको क्या बता, मुझे तो ऐसा मेरे घर वालों की जो तबीयत है उस हिसाब से जो मैं फील कर रहा हूँ। तो जैसे आप हो, मायरा है, ठीक है ना, क्या कहते हैं ईसाई में, जो मेरे घर वालों की चॉइस में बता रहा हूँ। आदि भी आप कह सकते हो, मेरे घर वालों की चॉइस के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा रहेंगे कि नहीं? मुश्किल, 50-50 मुश्किल। और मरिया? मरिया क्या करेंगे? मरिया को पसंद है। और कौन रह गया? लाला, बड़ी तारीफें हो रही हैं आपके खाने की। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। मेरे लिए क्लैपिंग तो कर दो, जिन्नात के टेडी बेयर। क्लैपिंग करो बॉयज, इतनी भी अच्छी नहीं है लाला जी के लिए। उनको इंस्पायर, उनको वो करो, मोटिवेट करो। बस शोरबा कम होता ना, अगर मगर कर रहा था तो वो आपको, आपको समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं? सालन बन गया, गड़ा गया। आप बन रहे हैं अगर मगर। इसको मैं वही तो ला रहा था, वैसे रोटी 20 मिनट और रोटियां का एक जान हो जाए, 10 पे चलता ना, ये आ जाता कढ़ाई। हां, वो आ जाता कढ़ाई का लोग। रायता नहीं था ना, फिर रायता होता फिर मजा आता। तो बात ही कुछ, दही तो था। बनाया क्यों नहीं आपने? इतना दही आया है और कुछ फ्रोजन भी था, हम लोग दही खा सकते हैं। वो कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल उषा नहा रही है? नहीं है, मेकअप रूम में तैयार। खाने को भाई इतना वेट नहीं कराना चाहिए, तैयारी के चक्कर में। मेरा तो ये मान है, इसको अवार्ड मिलेगा पता किस बात पे? आपका सबसे अच्छा अखलाक। सबसे अच्छा, सबसे अच्छे अखलाक पे आपके।
क्या हुआ? रोला डाला बोंगिया मार रहा है बोंगिया। इतनी हिम्मत है हाथ लगा के दिखा दो। अच्छा ठीक है फिर ये देखो ये मैं रख रहा हूँ मुझे देख लो मैंने ये यहाँ पे रख दिया। अब हाथापाई हो जानी हमारी फिर हाथ लगा के दिखा हमारी हाथापाई हो जानी मैं बता रहा हूँ हाथ लगा मैं अभी तक खड़ा हूँ हाथापाई हो जानी यहाँ पे। हाथ लगाने से पहले ये भी सोच लेना कि तुमने अभी अभी खाना खाया। खाना खाया मैं इधर खड़ा हूँ देख लो मुझे मैं हाथापाई हो जानी हमारी करके दिखाओ हमारी हमारी हाथापाई हो जानी मैं बता रहा हूँ मैं यहीं बैठा हूँ तुम करके दिखाओ मेरी हाथापाई हो जानी है। आपने टेबल साफ कर मैं टेबल भी साफ करूंगा मुझे देख लो मैं इधर खड़ा हूँ लेकिन हाथापाई हो जानी है मेरी। ठीक है जैसे ये दो बंदे उठ जाएंगे ना फिर उसके बाद टेबल से हाथापाई है मेरी। ठीक है पहला उठ गया सईदा हसो नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख लो मुझे मैं खड़ा हूँ फिर हाथापाई हो जानी हमारी। हाथापाई करके दिखाओ तुम सईदा हमारी हाथापाई हो जानी है मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो हाथा भाई देख लो खड़ा हूँ मैं क्या कह ये देखो जरा मुझे छेड़ भी रही है इसको समझा लो देख लो मैं तो खड़ा हूँ मेरी हाथा भाई हो जानी है इसे हाथ लगा के दिखा देगा हाथा भाई हो जानी है मेरी। आप हो मर्द आदमी आपसे मैं करूंगा बात उससे हाथा भाई हो जानी है मेरी हाथ लगाओ वो है लेडीज लोग तो मैं उससे हाथा भाई कर लूंगा। आप हो मर्द मैन तो मैं आपसे करूंगा बात ठीक है उससे करूंगा मैं हाथा भाई। वो लेडीज लोग है वो मुझे ऐसे ऐसे कर रही है तरीका तुम भी हेरा फेरी करो ना तुम हाथापाई नहीं करो हाथापाई हो जाए नहीं नहीं मैं को लेडीज लोग थोड़ी लेडीज के साथ हाथापाई नहीं कर सकते मैं हाथापाई करता हूँ फिर इससे नहीं लेडीज के साथ हाथापाई नहीं करते हैं। मैं जो देख लो मुझे हेरा फेरी कर लो देख लो मैं इधर खड़ा हूँ फिर बाद में हाथापाई हो जाए हेरा फेरी कर रही है वो कर सकते। ये सईदा ने ना बहुत गलत बंदे को छेड़ दिया भाई इसने ना आप मर्द लोगों आपसे मैं बात करूंगा उससे हाथापाई हो जानी मेरी मैं बता लड़कियों से नहीं करते हाथापाई उमर नोस टू नोस हाथापाई हो जानी है मेरी उसकी नोस नहीं हो रहा बसो बस छोड़ दे मुझे हाथापाई हो जानी है मेरी मैं तुझे कह रहा हूँ छोड़ दे मुझे आज जा। उमर क्या चीज हो यार क्या चीज देख ले चीज बोली है मुझे मैं देख लो मुझे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हाथापाई हो जानी है मेरी से और ये देखो बच्चे मरते हैं चीज के लिए। हाँ देखो मुझे चीज बोल रही है तो स्पेशल है ओ लेकिन फिर भी हाथापाई हो जानी है पहले क्यों नहीं बताया इसने पता नहीं ये गलत बात है हाथापाई हो जानी मेरी नहीं कर यार मैं गुस्से में हूँ बुरी बात देख लो इधर मैं खड़ा हूँ बाद में हाथापाई हो जाए महाराज तुम जरा समझदार हो इसको बोल दो हाथापाई हो जानी मेरी उसको समझ ही नहीं आई बोलूंगी। मेरा कितने कामली बैठे हैं कौन दो दिन कामली बैठे रहते हाँ दो दिन बहुत स्ट्रेस में थे वो समझ आ गई ना मुझे उम्र की व्हाट हैपेंड हाँ व्हाट हैपेंड कुछ नहीं उम्र की भी आ गई ना समझ आ गई उम्र की कि वो जानबूझकर मस्तियां करता हाँ वो मस्तियां करता है साइन का मुझे पता लग गया अच्छी तरीके से तो वो लाला ने भी अभी थोड़ा सा ना वो करने की कोशिश की मैंने इग्नोर कर दिया आगे से वो दूसरी बात ही नहीं की तो मान वैसे ही चुप है क्या बात हो रही थी सलमान से असली बन जाओ और ये वो हाँ मेरे का असली दिखाओ क्या कहता है ऐसा क्या बोलेगा बीच मिस ना क्या बोलेगा ये ऐसा नहीं है मुझे पता है ऐसा नहीं है ये मुझे पता है मैं मिली हुई उससे पहले ये ऐसा नहीं है प्रिटेंड होता है ना कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैं तो बहुत ही हूँ हाँ प्रिटेंड और ये वो मदर टेरेसा एंड ऑल यही कहा मेरे का जो एक्चुअली मैं हूँ ना वो बताओ इतना कोई मिस ना सोचो जरा मिस ना एकदम काम जो है हुआ ये था कि जब मम्मी ने भी बोला ना पहला प्यार और उससे पहले जो है वो नवीन ने भी इसको छेड़ा आपका तो हर प्यार पहले प्यार की तरह होता है तो एक दो तीन दफ़ा इस तरह की बातें हुई है ना तो मुझे समझ नहीं आई तब तक फिर मुझे पता नहीं बताऊंगी बात में वो मुझे तब पता चला जब उसने मायरा को ये जाकर बात कही मायरा ने फिर बात मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से कह रही थी तुम बोंगिया मारती हो थोड़ी थोड़ी कभी कभार अच्छा सुनो ना हाँ। तो इसका ना इस चीज़ का है कि मतलब इसका जो है वो प्लान वो कामयाब ही हुआ हाँ। और उससे पहले जो है वो धूम मतलब शोर मच गया हाँ, तो हाँ। वो थोड़ा सा जो है ना वो
इसको आजकल जो है वो समझ नहीं आ रही क्या करना, मुझे यही लगता है भाई आज कुछ भी होगा। हाँ मैं कसम खा दी है हाँ कि जड़ा भी टास मिले ना मेरे हाँ मैं ऐदा तो गेम खराब करांगा ओ पा गिरा के सारा कुछ करके मुझे और मजा आप दोनों एक ही टीम में हो मुझे सजा एक दूसरे का गेम आप अपने खराब करूंगा जेल हो जाए कुछ भी हो जाए सजा मिले जेल हो जाए ये खतरनाक बात की ये गलत बोला लाला जी उन्होंने कहा जेल अब छोटा हो जाएगा एसी में थी मच्छरों लगे और आधी आधी नहीं होने का तो छोटा हो जाएगा और बाहर मच्छरों हो जाएगा मतलब उसमें आप लेट नहीं सकेंगे सिर्फ बैठ सकेंगे कोई बात नहीं यार आयू और अगर तू मेरे साथ हुआ उस जेल में साथ तेरा कब मैंने लाते मार कर तेरे गुर्दे घुटनों में ले आना अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं दोस्तों खातिन हजरात सब खैरियत से हैं आप लोग देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर बाय डॉलन्स एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवुड। आज मैं इनको एक नया टास्क दूंगा, नया टास्क क्या होगा वो तो अंदर जाके पता लगेगा, मगर उससे फ़ायदा क्या होगा एक और सेफ हो सकता है, सेफ जोन में जा सकता है, तो नॉमिनेशन से निकल कर वो सेफ जोन में आ सकता है। तो चलिए अंदर क्या हो रहा है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। जो नया टास्क है उसका नाम है ग्रैब स्टिक। ग्रैब स्टिक, अब ये स्टिक नहीं है, ये समझ ले किस्मत है, वो जो स्टिक के जरिए आप सेफ जोन में जा सकते हैं। सीधे हाथ में एक स्टिक होगी, ओके, जब भी एक हॉर्न बजेगा तो वो आप स्टिक सीधे हाथ से छोड़ेंगे और जो आपके सीधे हाथ पे खड़ा हुआ है जिसके सीधे हाथ पे स्टिक होगी आप वो पकड़ेंगे स्टिक, okay, एक ही हाथ से, और जिससे वो छूटती जाएगी वो एलिमिनेट होता जाएगा, यानी वो डेंजर जोन में रहेगा। गॉट इट? यस सर। ऑफ कोर्स सेफ जोन में है वो, वजीर भी वही है, सेफ भी वही है और जज भी वही करेंगी। तो हॉर्न क्या बजेगा वो जरा सुन लीजिए। ये ट्रक का हॉर्न है, काफी सीरियस और इंटेंस। ये W18 ये W18 है। भागो 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 भागो, अकेली शुरू कर दो, स्टैक भाग जाएगी, गड़ी हो गई, अकेली शुरू कर दो। थैंक यू लेडीज। लाला दूर हो गया, लाला दूर हो गया यार, इतना बिल्कुल चिपक नहीं सकता, सबके हाथ बराबर तो नहीं होंगे ना, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। बहुत ही इधर मूव करें थोड़ा सा उस तरफ, उमर आप थोड़ा उधर हो जाओ, वहाँ पे गैप ज़्यादा है। हाँ अभी आप ही उधर हो, अब आप नहीं रुकिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे इंच से वेरी गुड आदि, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, प्रैक्टिस करवा लाला आगे भी जाएगा उस दिन छोड़ के टिप्पे कहाँ कहाँ गए यार, लाला में टिप्पे टिप्पे करेगा ना, चलेगा क्या हो गया मेरी स्टिक आपने बिल्कुल खड़ी थी और पकड़ी है, मैंने फेंकी क्योंकि वहां पे लगी हुई थी, मैंने उधर ही रखी, उधर ही छोड़ी। क्यूडेस कम ऑन या हू मैन अ गॉड, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड, प्लान प्लान ये वाला लग रहा है नहीं वाला Amazing personality, all of you. Equal distance. करो। एक बंदा कम हुआ है तो जाहिर है थोड़ा सा फासला भी बढ़ेगा। ओह अच्छा। Wow. यार मेरे को कोई कुछ ना कि वो तैयार हुई है। करें भाई इक्वल। लाला जी हाथ। क्या हुआ? लाला आप भी कर लो जो करना है। सही।
कौन अपना सॉरी स्टिक कहीं और फेंक रहा है? नहीं यार, मेरा अपना डंडा। कौन चाहता है दूसरा हारे? मुझे लग रहा है उमेरा की टांगे थोड़ी कांप रही हैं और सईदा की थोड़ी सी टांगे कांप रही हैं। नहीं नहीं सारे नहीं, हमारी तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई टेंशन नहीं। बेस देखो इसकी। If you'll keep talking, you will feel relaxed. Yes. Don't keep your muscles tight. Don't stress. Breathe in and breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. अच्छा वो भी ये भी बोलते हैं। Breathe in. Breathe in. Breathe out. Breathe out. लाला तो हर मूवमेंट के साथ सख्त होते जा रहे हैं, देख रहे हैं। लाला अपनी तरफ से प्रिंसिपल बने हुए। 4-6 घंटे चलना है इसने। मुझे लगता है अगर मैं बादशाह की जगह होता मैं 3 दिन का रखता है टास्क। आइडिया दे दो। तेरे 3 घंटे भी 3 दिन है। जिन्ना तो के टेडी बियर को मना कर यार, हम लोग हिल जाते। वेरी नाइस, वेरी स्मूथ पार्किंग, वेरी गुड लाला। You are being amazing player. Okay, okay. Come on, everybody, smile. Smile. Say cheese. Spread one. Oh, Myra and Amira out. चार रह गए। सारे equal distance आ जाएं। साहिब आप इधर आ जाओ। ये डंडा डालो भी। आप वो panic के अंदर वो कर रहे थे। हाँ। अच्छा खेल रहा था। जिस तरह अभी हुआ ना। मेरे ख्याल से ऐसे खड़े 27 मिनट से बस नहीं आई। ये गेम है आपके एंड्योरेंस का, फोकस का, फ्लेजिलिटी का। फ्लेजिलिटी इसमें पता लग सकता है आप लोगों को कि आप में से कौन है वो जिसमें ज्यादा एम्बियंस है। लालच नहीं। इतना टाइम चाहिए हमें। इतना टाइम आएगा। इतना टाइम चाहिए। इतना टाइम चाय पराठे अंडे। यार ये बहुत यार ये ना करे यार, खुदा का सही है। क्यों वो क्या हो गया? अच्छी बात है, सही है यार। मेरा यार हैविंग फन। यस 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 सईदा, यू कैन डू इट लाला। कम ऑन साय मोमा लाली, यू ऑल कैन डू इट। इस घर में अगर किसी की दो पर्सनालिटीज काफी मिलती हैं, दैट्स नुमान एंड सईदा। मेरी जिंदगी काफी डाइवर्टेड है तो फोकस भी डाइवर्टेड। लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं इसलिए। इस गेम से अगर आपको किसी को निकालना हो, ये लोग मेरे अगेंस्ट है बेसिकली। मेरा ऐसा क्या कहेंगी कि साइम जल बिन मछली बन जाएंगे? आप 8 बार गिराएंगे, मैं 9 बार उठूंगी। ये एक वाहिद सांप है जिन्होंने मुझे नीचे गिराया था। आप यहाँ पे किसी को धोखा तो नहीं दे रहे? आपने क्या अपने बारे में सारा सच यहाँ सबको बताया? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउस ओके लगे सॉरी। आप लोग शायद फोकस करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मैं आप लोग मारेंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बाहर तो मुझे लगता है कि वो फ्रिस्बी होती है और सब सर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं मरिया और मायरा के सामने। मुझे मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं 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 नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों आप हमारा ये आप खेल लो आप हमारी हर दिल अजीज ज़ारा है, ऐसे नहीं हो सकता। थैंक यू रऊफ लाला।
आपने गुस्सा क्यों किया है? आप इतने क्यूट लग रहे हैं हर चीज में, और आपको पता है उमर आपसे कितना प्यार करता है। बाथरूम में जाके शीशे पे लिखता है रऊफ लाला हार्ट उमर। इसकी बातों को माइंड नहीं किया करें, ही रियली लव्स यू। ये बाथरूम का शहजादा। आई मस्ट से दिस, के बाहर इतनी क्यूट है आप तीनों की दोस्ती। वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू योर सीन्स, और जब आदि और उमर बैठे होते हैं, जब स्पेशली उमर रऊफ लाला को तंग कर रहे होते हैं। एंड आई आल्सो लुक फॉरवर्ड टू मरीहा एंड माहिरा फाइट। ओह माय गॉड, सॉरी, पसंद है आपको? हां, वो भी पसंद है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि मरीहा एंड माहिरा आर टू फाइनलिस्ट्स जो मुझे नजर आते हैं। हम तो कचरा हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ, मुझे नजर आता है कि वो दो फाइनलिस्ट बहुत شدید आपस में गेम खेल रहे हैं। आई रियली वांट टू सी यू इन फाइनलिस्ट्स आल्सो, एंड यू आल्सो, एंड यू आल्सो। नहीं नहीं, अब ऐड नहीं करें हमें। बट नहीं, अभी देखो हो तो गए ना पांच, अब ये बाकी चार तो मुझे मार देंगे। अच्छा, आपने मरीहा से जो लड़ाई की, आपको पता है ना मरीहा ने ही फोन कहा था कि मैं आपकी लाला बात कराऊंगी आज घर पे। मरीहा के रिस्पेक्ट आज भी करता हूं, उसका रिस्पेक्ट तो सबकी कर रहे हैं लाला, मार नहीं देते लेकिन तू एक साइड से कर ले। नहीं, मैं गाड़ी वाला, आपने शायद एपिसोड देखा होगा, मैं तो सब देख रही हूं। तब मैंने वो अपनी मतलब कि मायरा मेरी बेटी है, मैंने उससे कहा मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, आपने सोचा है कि मेरी पोती से बात करवाई है? मैं नहीं हट सकता। उस वक्त हम तीन वोट एक जगह हो जाते तो वो निकल जाती, लेकिन मैंने इनका साथ दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आप दो लड़े, हम दो लड़ रहे हैं। मैंने दिया मेरा साथ, बिल्कुल, तो मैंने साथ दिया जहां मुझे महसूस होगा। मैं लेकिन जिताया मैंने इनको, मतलब जिताया तो मरीहा ने आपको। आई थिंक इस घर में अगर किसी की दो पर्सनालिटीज काफी मिलती हैं, दैट्स नुमान एंड सईदा। बहुत पर्सनालिटीज मिलती हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड गाइस, दोनों गुड जॉब गाइस, दोनों बहुत मतलब ढल गए, खानदानी लोग हैं, हां एक दूसरे के रंग में ढल से गए, माशाल्लाह बिल्कुल। और साइम आप बताएं, अब आमना नहीं है, मुझे रात को आमना कह रहा था। आप यहाँ पे किसी को धोखा तो नहीं दे रहे? आपने क्या अपने बारे में सारा सच यहाँ सबको बताया? बिल्कुल भी नहीं। So all of you, साइन भी कभी बहू थी नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे नुमान की बहुत अच्छी बात लगी, दैट ही वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज लाइफ एंड आल्सो मायरा। थैंक यू, बट यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योर लाइफ टू। ज़ारा, जो कुछ आपको पता है प्लीज एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दिल में ही रखिएगा। मैं तो चुप ही हूँ, लेकिन लेकिन वो कुछ कहना चाह रही है। हाँ, बोले बोले। नहीं, खुद ही बताएंगे जब भी बताना चाहते हैं। थैंक यू ज़ारा। साइम, इतना उसको तंग किया साइकिल वाले टास्क पे। ये सांप हैं, पहले ये सांप सीढ़ी वाली सांप हैं, ये वाइट सांप है जिन्होंने मुझे नीचे गिराया था। बात तो सुन ले पहले, वो गेस्ट आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सांप हैं। आप पहले बोले ये सांप हैं, गेस्ट आए हैं। बोलने दे टाइम, आपने बहुत तंग किया। इन्होंने मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया, वो घर में छोटा छोटा छोटे हो लिया और छोटे हो लिया, ऐसी उसके बावजूद इन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाए और एलिगेशंस लगाए, रॉन्ग एलिगेशंस। और जब मैं अच्छा एलिगेशंस के बारे में तुम्हें बताऊंगी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट एवरीबॉडी हियर एक्सेप्ट आई थिंक यू, यू डोंट टॉक अबाउट एनीबॉडी। आप किसी के बारे में बात, ये हमारा टेडी बेयर है। कभी मौका आए तो उमर, उमर गया मतलब अगर एंड तक ये वक्त आएगा कि अगर आप और उमर एंड तक जाते, मैं उमर को जिता दूंगा। मैं नहीं, ये फिर क्या गेम हुई, ये तो फुल पोटेंशियल नहीं है, छोटा भाई है। आई वांट टू सी हिम शाइनिंग। मैं यहां आमना के लिए कहती थी, अब आमना इज नॉट इन द शो। देखिए, थी और है में फर्क है ना। मैं आपको अभी यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ कि आप अभी फाइनल करा लें। मैं तुम बहुत तेज हो, इतनी तुम चलाक हो, बाहर से स्ट्रेटजी बना के आए हो, मैंने हंसना है। मैंने पहले रऊफ लाला पे ट्राई किया, नहीं चली, फिर मैंने आदमी को पकड़ लिया। इसीलिए वो तो सेफ, वो तो पहुंच जाएगा फाइनल। और अल्लाह करे पहुंचे, और मेरी बहुत सारी दुआएं कि उमर बस ये दोस्ती अल्लाह करे बाहर भी रहे, बिकॉज़ वी रियली लव योर बॉन्ड। बाहर रहे या ना रहे, कम से कम इधर ही। नुमान, आप पीछे इतना छुपे हुए, थोड़ा सामने तो आए। आपका फोकस बहुत डाइवर्टेड है। हाँ, मेरी जिंदगी काफी डाइवर्टेड है, तो फोकस भी डाइवर्टेड। लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं इसलिए। माशाल्लाह सब अच्छा। अगर आप किसी के साथ यहाँ पे दोस्ती होती है किसी के साथ भी, तो आई थिंक जैसे साइम ने आउट इन द ओपन बोल दिया। यहाँ सब मेरे दोस्त हैं और मुझे सबसे बहुत प्यार है, मैं सबसे बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। और आई डोंट थिंक मैं यहाँ एक गेम के अलावा और कुछ करने आया। अच्छा, लेकिन नजर ये आ रहा है दैट आप दिल से खेल रहे हो और दिमाग से नहीं, और उस वजह से आई एम ऑल हार्ट ना, यहां कुछ नहीं है। पीपल ट्राई एंड मेक
make a fool out of you also. अगर दिमाग होता अभी तो मैं कभी भी वहाँ माया के साथ इधर खड़ा नहीं होता, वो गेम में पैनिक करके एंजाइटी करके चीजें इधर उधर कर देती है, मैं इधर खड़ा होता ये तो ब्लैक नहीं, but I think उनको genuinely panic. हाँ उनका है personality में हम. मायरा आप मुझे बताओ, why are you not talking? मुझे तो इस घर में नो मुझे तो इस घर में जब भी कोई गेस्ट आया मैंने देखा है मायरा 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 कॉफी छुपा ली. मायरा ने गेस्ट को कॉफी भी नहीं दी और फिर मरिया को बताया कि कैसे देती है, उसको तो बाहर मिल जाती. हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप और मरिया अपने पॉइंट्स को आगे रखते हैं. आई लव इट. सईदा उस टाइम में जब चुप हो जाती हैं आई डोंट लाइक इट. और हुमैरा मैं परेशान हो जाती हूँ, पानी की बोतल रख के बैठ जाती हूँ कि कोई पानी जाके इनको दे दे क्योंकि उनकी मुझे लगता है तबीयत खराब हो जाएगी उनके साथ. बहुत नहीं नहीं तबीयत खराब है, बहुत पक्की है वो. पूरे जो है ना इनका पूरा जो एक ग्रुप बना ये सारे मेरे खिलाफ. अच्छा वैसे मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि रऊफ लाला अभी तक इस गेम में रहेंगे. मजे की बात है हमने भी नहीं. Hats off to you, Rao. आदि आप बताएं घर वालों को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैंने उनको जिस मिनट घर वालों को एंड देयर समबडी इन माय लाइफ जहां मैंने मिस किया वहां मैं गेम से पहले यहां से चला जाऊंगा. अच्छा वो जो समबडी है ना जी जी वो बहुत प्राउड है. I मुझे कहीं से मुझे कहीं से मैसेज आया कि मैं बता दूं. हाँ, I wish he is. हल्का सा. और I really hope to see her very soon. अच्छा उमर और somebody में अगर चूज करने का मौका आ गया. क्या करने का? Somebody और उमर. अगर somebody को उमर समझ ही ना आए. नहीं इसका तो इसके उसके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं. ये साइड पे साइड. अच्छा शादी पे बुलाएंगे? हाँ नहीं. ऐसे लड़के आगे ना शादियां खराब. कोई मसला नहीं. मरिया आप वजीर हैं. हाँ बट हाउ डू यू फील? अच्छा अच्छा लग रहा है. या आई एम अ कूल वजीर. अगर इन सारों में से किसी एक को आपको गेम से निकालना हो तो आप किसको निकालेंगी अभी के लाइक राइट नाउ? मतलब कि अपने कंपटीटर को ही निकालूंगी एज मच एज आई लव हर ऑब्वियसली. अगर ये मेरे साथ फाइनलिस्ट है मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर आपको वाकई इफ आई वाज स्मार्टली प्लेइंग तो मैं इसको निकालती. लेकिन इफ आई वांट टू लाइक जो बंदा ये तो अभी खैर गेम से आउट है. दिस गेम अच्छा इस नॉट द कंप्लीट तमाशा. ये तो मैं कह रही हूं बस मास्टर के लिए तो मैं ना निकालूंगी. हम पांच लोग तो मुझे ना निकालो. माय गॉड तो मुझे ना निकालो. वही मैं कह रही थी मुझे लगा पूरा तमाशा जाहिरी बात है. मैं इस गेम से अगर आपको किसी को निकालना हो. अगर मुझे किसी को निकालना हो नोमान को निकाल दो दोबारा. सईदा यार बहुत मुझे डंडा नहीं पड़ रहा बिकॉज़ उसने मुझे विदाउट रीजन एक और गेम से निकाला था. अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपको इस वक्त हुमैरा बनना है और आपको बनना है साइम ठीक है तो ऐसा और फॉर एग्जांपल अभी इसी टास्क में कोई फट रहा है तो हुमैरा ऐसा क्या कहेंगी कि साइम जलबिन मछली बन जाएंगे? आप सबकी ग्रुपिंग हुई है. आप 8 बार गिराएंगे मैं 9 बार उठूंगी. जा बीबी जा अपनी सीढ़ी बदल जाके हर बार एक ही बात करती है. ओके 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 हमें नहीं करो हमें नहीं करो ओके ओके हमें नहीं करो जा एक ही बात करती है. मैं खाने के टेबल पे जब हम लोग खाना खाते है ना तो कोई चीज आती है दाल चावल है तो मैं कहता हूँ अगर इसके साथ हाँ, तो वो हर चीज में अगर उसके साथ आप क्यों बाहर निकले? उनकी वजह से नहीं उनकी वजह से निकले मुझे लगता है गेम से आप. वजह तो किसी की नहीं होती. साइम और उमर
आप दोनों में से अगर किसी को चूज करना हो बिटवीन नुमान एंड सईदा, पहले उमर आप बताएं, हु विल यू सेंड? नुमान एंड सईदा? सईदा, ओके. एंड यू? सेंड और सेव? सेंड इन फाइनल वीक, वही सेम सेंड नुमान, बिकॉज़ एज यू सेड ही इज वेरी स्ट्रांग, पर वो अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा. पर आपको लगता है फाइनल वीक तक उनका पोटेंशियल आएगा? अगर आना चाहे तो बहुत खतरनाक इंसान है ये. That's what I'm saying. Yes. But you're not playing. Yes, he can do it. इस गेम में से भी आप निकल गए हो. मैं हैरान हूँ. It's not a very tough game if you're not wearing saree. It's not a tough game. घर पे वाइपर्स के साथ खेलते हैं ये. But like I mean, आप खेल नहीं रहे नुमान. The nation wants to know. I'm a kid. Wow. Oh, Lala. लाला जोंडी रोड्स बने हुए भाई. तुम ही अब वो बज रहा है और मुझे नीचे से भी एकदम उठाना पड़ रहा है. अच्छा मरीहा एंड मायरा, आप लोग एक्चुअली में ऐसे हो? हां नहीं, इट्स इन द गेम, इट्स इन योर हेड. मैं जवाब दूं इसका? गर्ल्स आर अगेंस्ट यू. नो, कल नहीं था, कल देखा था. नहीं, कल देखा था. है नहीं, नहीं नहीं है. ये इनको मैं जानता हूं, ये ऐसी नहीं है. सही है, असल में लड़ रहे. मैंने मैंने कहा गेम है, लड़ाई बिल्कुल ठीक हो रही है. ये असल में दोनों सारे सुन लो ना. असली लड़ाई है. मतलब ये एक दूसरे के वो कहते हैं ना. अच्छा वो कह रही है असल लड़ाई नहीं होती. नहीं नहीं होती है. एट द मोमेंट जब हो रही होती है तो वो तब असल होती है. असल होती है, क्रेजी. बट बाद में अपना सबने इक्वल डिस्टेंस रखना. मरीहा यू, इफ यू हैव टू पिक बिटवीन उमर एंड आदि. उमर बिकॉज आदि डजंट वांट टू प्ले. लाइक वो ही इज नॉट टू इंटरेस्टेड. यू डोंट वांट टू प्ले? ही इज नॉट बॉदर्ड बाय इट. आई एज मच एज आई लव देम बोथ, आई थिंक उमर इज मोर सीरियस अबाउट द गेम देन आदि. एंड आदि नोज दैट. Really? Umar? And Adi's my little teddy bear. एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा. हम कितने लोग हैं अभी खतरे की घंटी में? 9-8. किसको? मरीहा को निकाल के हम सब जो है खतरे की घंटी में अभी. ठीक है, आप किसको सेव करेंगे या किसको वोट करेंगे अगर आप आए तो? ओह यस, किसी एक किसी दो. दिस इज माय क्यू टू लीव द हाउस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच. लव यू. थैंक यू फॉर कमिंग. एवरीबॉडी लव्स यू. आह बट एवरीबॉडी आई आल लव ऑल ऑफ यू आल्सो. बाय बाय. टेक केयर. बाय. खुदा हाफिज. अब मैंने देखा ना किसी को हंसते हुए. बहुत हो गया. That was sweet. Let's get back to the game. अच्छा, I'm not sued. That is sued. सारे वापस गेम में चले जाए. अच्छा ऐसे कह रहे थे कि दो तीन दिन भी लग सकते हैं. दो तीन दिन नहीं. अच्छा यार, मैं वहां जाके बैठी हूँ यार. दो तीन दिन नहीं लग सकते. सिर्फ आपका कल का दिन है. आज गुजर चुकी है. नहीं उन्होंने कहा आज ही सारे फारिग हो जाए. सीट पे नहीं बैठ सकती हूँ. प्लीज मेरी सीट सोच जाए. क्योंकि मैं वजीर हूँ. मैं आपको कह रही हूँ मेरी सीट सोच जाए. वहाँ जाके बैठे जिधर बाकी कॉन्टेस्टेंट बैठे हुए. चले चले उठे. मेरा क्योंकि मैं बात ना झाड़े मेरे ऊपर. मैं रोब नहीं झाड़ रही. मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज वहाँ बैठिए. रोब ना झाड़े आप. रोब देखते मेरा रोब. व्हाई यू गेट सो जेलस? जेलस नहीं. ओके इट्स फाइन. आप हिटलर थे तब नहीं याद आपको जो आपके हिटलर वाले जमाने. जस्ट फोकस ऑन योर गेम मैन. एंड यू फोकस ऑन योर पोजीशन एंड योर प्लेस. ओके जस्ट फोकस ऑन योर गेम.
Focus on your position, bro. You belong in the corner there. Okay. Because you're out. Okay. ये सर अदनान की सीट है, आपकी सीट नहीं है. Thank you. इस वक्त मैं वजीर हूँ और मैं इस कमरे में हूँ, तो मेरी सीट आप है. सर अदनान नहीं है. आप बातें नहीं करें, आप जाके अपनी जगह पे बैठे. हर जगह इनको अटेंशन चाहिए. और डोंट टेल मी व्हाट माय थिंग इज. ठीक है, अपनी जगह पे जाके बैठे. इसमें भी उनको फुटेज चाहिए. उन्होंने बैकग्राउंड में नजर आना है कि मैं हारी नहीं हूँ. मुझे देखिए. दैट्स नॉट वर्किंग. आपके लिए कुछ काम करता है क्या? बस इतना मुझे बता दे. आपका ब्रेन इज नॉट वर्किंग. मेरा इधर आओ, इधर मुझे आगे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो. मुझे बताओ, और से बताओ. जस्ट फोकस ऑन योर गेम. आप मुझे नहीं बताएं किस पे फोकस करना है. आप जाके उधर बैठे जिधर बाकी सारे बैठे हुए हैं. ठीक है, उधर जाकर बैठे जिधर बाकी सारे बैठे हैं. मैं नहीं बैठूंगी. तो फिर निकल जाए इस कमरे से. आप ज्यादा ऑर्डर ना चलाएं. निकल जाए इस कमरे से अगर आप नहीं बैठेंगी. मेरा थक गई है लेकिन बैठना चाह रही. अब बोल दिया बैठ नहीं सकती. लेकिन फजूल की आर्ग्यूमेंट करनी है हमने. हमारी सेंस बने या ना बने, हमने बस अटैक करनी है हर जगह. हाँ एग्जैक्टली, यही करने आता है आपका. बस यही करने आता है आपको. और आपने मेरे मुंह पे आके जिस तरह बोला ना, आपसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है. यही आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कुछ भी नहीं. इतने लोगों के बताने के बावजूद आपने नॉनसेंस और सेंसलेस बातों पे आर्ग्यू करना होता है, बोलना होता है. ओके ओके. और बस बहस करनी होती है फालतू की. आई थॉट कि मैं करती हूँ फिल्म में. आप तो मेरी भी क्वीन है. आप तो मेरी भी क्वीन है. ओके थैंक यू. बहस करने की, बहस तो मुझे आपसे सीखना चाहिए करना. ओके लाला, उठे उर्दू में बात करें तो बेहतर होगा. खड़े सो रहे उर्दू में बात करें. उर्दू में बात करें वरना तशरीफ बाएंगे. योर इंग्लिश इज नॉट वर्किंग मरिया. उर्दू में बात करें. आप मेरा उर्दू में बात करें वरना मैं आपको कमरे से बाहर भेज दूंगी. जस्ट फोकस. उर्दू में बात करें वरना आप कमरे से बाहर चली जाएंगी. अच्छा फोकस. ओके उर्दू में बात करें. आप ज्यादा एक्स्ट्रा बात. उर्दू में बात करें. उर्दू में बात करें. क्या उर्दू में फोकस उर्दू का लफ्ज है. ये केक है. हां क्या समझ नहीं आई है. ये केक है. दिमाग में होती रहती है केक, तभी आप इधर से एग्जॉस्ट है. डोंट शू मी. ठीक है, मैं बाहर बैठ दूंगी दो सेकंड. शू किसको? शू कर रही हो? नहीं भी आती हूँ. ऐसे शू भी आती आती बाहर ले जाओगे. सही तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर अंग्रेजी के अल्फाज नहीं आते तो? ओहो, एक बात की है मैंने सहिदा. इसमें इतना मजाक तो ना उड़ाओ ना सहिदा. कंसंट्रेट ऑन योर गेम. फॉर एग्जांपल सहिदा नहीं इन्वॉल्व. आप खेल रहे हो, आप गेम्स खेलो. गुड लक सहिदा एंड लाला. इसकी आर्गुमेंट में ना ही बोलो तो बेहतर. गुड लक सहिदा. थैंक यू मेरा. गुड लक लाला. एक ये वाला भी तो गेम होता है ना, कुछ ये वाला. Stay away from negative energy. वो मेरा अपनी negative energy इन लोगों के ऊपर नहीं झाड़ो. मैं पहले से बोल रही हूँ, उनका दिमाग नहीं खाओ. Negative energy. नहीं खाओ उनका दिमाग. Please, you're talking too much. आप पहले अपनी टूटी पुटी अंग्रेजी बोलना बंद करें. ठीक है, उनको स्ट्रेस ना दे. यहाँ खड़े हैं जो ऑलरेडी गेम में हैं, उनको आप स्ट्रेस ना दें तो बेहतर है. आप अपनी टेंट लेके बैठ जाए जमीन पे अगर आप बैठ सकती हैं. बटर रोटियां नहीं है. क्या नहीं है? डबल रोटियां. डबल रोटी जिनकी वजारत में ऑर्डर हुआ था राशन, उसको बोले ना. ये मेरी वजारत में ऑर्डर नहीं हुआ था. 1000 पॉइंट्स. ये इनकी वजारत में आपको जितने पॉइंट्स मिले थे उसके अंदर आप लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो ही आया. मैं तो याद भी नहीं. अगर मेरी वजारत में होता तो किसी चीज की कमी ना. मैं तो जेल में थी. बट सिंस ऐसे ही आप तो सिंस इनकी वजारत में कुछ भी ढंग से नहीं हुआ, हमारे पास नाश्ता ही नहीं. एक दिन में, एक दिन, दो दिन जिसमें आपने पाकिस्तान पता करना है तो वो तो नहीं हो सकता. ओके, आपको किसने कहा पाकिस्तान पता करने को? बादशाह साहब ने कहा था कि जो कुछ है उसी में आप मैनेज करें. आप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. उसी में आप मैनेज करें, बस करें, उसी के अंदर आप मैनेज करें. अगर आपने ज्यादा बोला ना तो मैं इधर से आपको बाहर निकाल दूंगा. कर भी दे यार, प्लीज कर. है ना, मैं कर दूंगी. खप डाली मैंने. एक और दफा आपने टेंटें की ना, यू आउट. तो आप भी अपनी टेंटें बंद करें. यू विल बी आउट. ओके, आवाज समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? यू विल बी आउट. ओके, इट्स ओके. साइको.
मैंने ना आपका जूंडा पुट देना है। पुट दे। काट दूंगी मैं आपके बाल। काट दे। डबल रोटी ला के दे कहीं से भी। आदि कल जीत लेते हैं। मीठी। ज़्यादा रिलैक्स नहीं करो। आदि डोंट रिलैक्स। अलू मला। सही था। अलू। मालू अलू। लाला। 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 अलू मला। अलू मला। अलू पले। चलू पले। कुलू कना। कुलू कला। लाला। 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 अलू मला। अलू मला। पले मलू। पले मलू। बस लाला की कमर पे हाथ आ गया ना, इसका मतलब लाला स्टैंड पे लग गया। लाला का लाला का आप नीचे से पकड़े, नीचे से नहीं यहां रखा। लाला सुनो। लाला सही था। पॉकेट में डाल। आई एम सा ये पैसे बोल दे मला। आ यहां पे ये भी मला ऐसे कर। लाला लाला सही था सा वल्ला साइम सा ये खून में है वो है सा वल्ला वल्ला आरफिक कुला सा ये अभी यहाँ पर खड़े होंगे सारे। ओके। और स्टिक हम लोग इधर ही रखेंगे। आई थिंक ब्लैक पे नहीं, इधर ही रखें अपने सामने। यहाँ पर अपने सामने इधर रखें। ओके। जिधर एक पाउ एक फुट का होना चाहिए बस डिस्टेंस। नहीं तो मेरा पाउ। और स्टिक अपने बिल्कुल फीट के साथ। ओके। सामने मिडिल में हूं मैं। स्टिक थोड़ा पीछे। मिडिल में हूं। सही था। अपना स्टिक थोड़ा पीछे। ओके। मिडिल में मतलब आदि अपना स्टिक थोड़ा पीछे। आपने मुझे कर नहीं दिया। समझ रही हो इशू यार? मतलब कैसी एग्जांपल्स देनी पड़ी होंगी आई से। वो जो बाहर आए थे कि बताओ ना वो तो आपको। गुड वन आदि। गुड वन। बहुत अच्छे आदि। बहुत अच्छे आदि। बहुत पकड़ा यार। इधर आओ थोड़ा। सही था। आपने भी बहुत अच्छा किया। एजेस पे दोबारा बैक बैक टू द एजेस। आदि साइम बैक। बड़ा कमाल किया यार। ले लो। डंडा फेंक सकता है इसके ऊपर तो फेंक सकता स्टिक। मैं बता दूं मैं तुम्हें आता है। ओह ओके किसका। वाह जी वाह। ख्याल से सही था अपना पैर। पत्तु बकुआ ना दिसी बुदा बे वो मो बाबा बे वो मुमा बाबे Come on, Dino. Come on, Saida. Come on, Saida. Oh, boy. Get up. Roma.
कौन सा है, कौन सा इधर क्या बात ये सब बेफ है आदि में से एंजॉय करके कर रहा है सईदा भी चौकस है वो तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लग रहा है साइम तो बिल्कुल ऐसा फिट चौकस हो रहा है ना कि अभी साइम की एक अपनी स्ट्रेटजी चल रही है साइम आहिस्ता आहिस्ता नीचे से स्टिक्स खा भी रहा है पता ब्लैक पे आ गया तो फिर भी आउट अरे वो उसके बजाय क्लिप कर दो मैं क्यों डर रहा हूँ यहाँ बैठा हूँ डर जाते मैं 1200 दफा डर चुका हूँ अभी तक लेकिन कौन हिम्मत देख रहे हो मेरी मैं रो नहीं रहा सईदा ने पीछे मुक्का जोर से बनाया हुआ है ना इसे वो थक गई है साइम ने मुक्का नहीं बनाया हुआ ना इसलिए वो थक गया वो इजीली है सईदा भी इजीली है हारने वाली जीतने वाली यस यू विल विन आई सईदा यू आई आपने कमर के पीछे हाथ रखा है आपको 5 किलो आटे की बोरी का तो वजन नहीं लग रहा साहिब सईदा को अगर कोई चीज डिस्टर्ब करेगी ना इस वक्त तो वो सिर्फ मैं हूँ साइम को अगर कोई चीज डिस्टर्ब करेगी ना तो मैं हूँ कोना होता वो सुबह के कर रहे हैं ये काउंटर स्ट्राइक वो स्नाइपर मार रहे हैं ऑन टारगेट सर नहीं नहीं कोई नहीं करेगा ट्यू और कोई यहाँ ही नहीं बस नहीं कर ये कम ऑन गाइस और एक मेरा होगी अब मेरे पीछे नहीं नहीं क्या होगा आपको लगता है मैं होगा नहीं आप अब सबको आपने कहा कि आपको मुझे एंग्जाइटी और पैनिक होता है हाँ वो तो होता है क्या पैनिक और एंग्जाइटी होता है मुझे गेम में आप हो जाते हैं डिफरेंट गेम में आपको क्योंकि मैं नहीं खेलती ना गेम्स तो मुझे स्ट्रेस आ जाती है ऐसे हो जाता है मुझे मैं चुके बहुत ही काम मैं भागी हूं पूरी जिंदगी गेम से तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और उसके वो आपको ना वो नहीं आता वो एक्सट्रीम से आ गया क्योंकि वो मैं वर्कआउट करती हूं एंड आई एम स्ट्रांग दैट फॉर स्टैमिना है मैंने कहा हां मैं ये चलाऊं वो हो गया उस दिन मुझे खड़ा रखा 6 घंटे वो मैं कर सकती हूं वो चीजें कर सकती हूं मैं यहां थोड़ा घबरा जाती हूं मिस्टेक आएगी नहीं आएगी क्या होगा और ऊपर से कंटिन्यूअसली मरिया बोले जा रही थी कोई भी इसमें चीटिंग कर सकता है कोई भी क्या तो वो मैं डिट्रैक हो गई कौन डालेगा और मेरा डाल यार ये तो बहुत बुरी बात है मैं बदनाम हो रही हूं कि मैं पैनिक हो जाती हूं मुझे कौन मैं वो एक बात को किए जाता है किए जाता है फिर वो खिंच जाती है कुछ ऐसा हो नहीं रहा जारा के सामने भी दो बार बोला मैंने बस कर मुझे भी बोला किसने कि मुझे पैनिक होती है किसने बोला नमाने की मुझे एंजाइटी हो जाती है कल भी अदनान सर जो है मतलब पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग बैठे हैं अंदर वही दोबारा से पुरानी बातें आते साथ उसने वो शुरू कर दिया जो मेरा को ये नहीं करना चाहिए था वो लोगों ने ओए मैं समझी हूं और वो वापस घूम के वही बात किए जा रहा आज भी जो है ऐसे ही हुआ है जारा ने जारा के सामने इसने कोई 2-3 दफा इस तरह से बात की एंजाइटी इमोशनल दिस एंड दैट
मशवरे देने आते हैं तो अपने ऊपर लगाओ ना मशवरे, सही बात है ना, मशवरे आप दिए जा रहे हैं तो खुद पे अप्लाई कर लें। जज बैठा हुआ है कोई यहाँ पे और वो बस दूसरों को बता रहे भी, मायरा तुम्हारे अंदर ये खामी है, तुम्हारे अंदर वो खामी है, तुम इसको ठीक करो, तुम उसको ठीक करो, तुम ये भी ठीक करो, तुम सब कुछ ठीक करो। जो चखना है चखे चखे, मुझे लगता है नमक ज़्यादा हो गया। अब आगे गेम जाएंगे। सही, सही, सही। पर कड़ी भी अब्सॉर्ब करेगी ना। हरी मिर्चें थोड़ी सी होनी चाहिए अंदर, कटी हुई गोली है, सब सब डल गया। मंडे तीन दिन है, तीन दिन में भी जो अगले टास्क है, हाँ कॉन्सेंट्रेट, हाँ मायरा आई विल इंशाल्लाह, मायरा आई विल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साइन बहुत फोकस था, मैंने कहा गई, बिकॉज वो जितना कॉन्सेंट्रेट करके खेल रहा था ना, क्यूट लगता है उसका मुंह मुझे जब वो ऐसे होता है। और थक गया है वो, अभी थका हुआ है वो दिमाग से, उसको कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है कड़ी कैसे बनेगी, उसमें क्या डलेगा, वो डन है, डन, ही इज डन फॉर द डे। साइन आर यू डन फॉर द डे? नो नो, देन व्हाई नो इंटरेस्ट इन माय कड़ी रेसिपी? कड़ी यप, कौन सी वाली, पकौड़ो वाली, पकौड़ो के वाली चीजें हैं बेटा, बन भी गए, वाह हाँ। क्या बात है आपकी मायरा, तो ना दो मुझे कॉफी फिर भी मैं तुम्हें कड़ी बनाऊंगी। मैंने क्यों कहा मैंने नहीं देनी, मैंने कहा मांगोगे मैं दे दूंगी, मांगूंगी तो फिर बैठो। चुपा के फेंकी थी ना बाहर, नीतू जड़ी आई है ना कॉफी, तुमने हम सबको कॉफी के बगैर खोलो दे नाल, तुमने रखा ना हमें कॉफी के बगैर, हमारी कीमती कॉफी बाहर फेंक दी तुमने, दिमाग में रखती हो वजीर, घर से बाहर फेंकी थी ना कॉफी हमारी, अब नहीं, अब मांगोगी तो मिलेगी, मैंने ये तो नहीं कहा नहीं है, सामने रखो चीजें, दिल साफ रखो, बहुत अपनी रियाया के लिए, बहुत साफ है मेरा, तो रख दो ना, क्यों तकलीफ दे रही हो, तो नहीं फेंकनी थी ना, इतनी सारी कॉफी जाया कर दी, नहीं छुपानी थी ना, कदर होनी चाहिए ना, मैंने थोड़ी छुपाई थी, मैंने छुपाई थी, नहीं करनी थी ना प्लानिंग, मैंने छुपाई थी, मैंने छुपाई थी, आमने मैंने अलग हो जाती हूं आमना से, आमना तुम देख रही हो, मैंने कोई नहीं छुपाई थी, मेरा आइडिया भी नहीं था, मैं आधी नींद में थी कचरे के डब्बे के पीछे, दिल भी नहीं किया फिर वो कॉफी पीने का, कचरे के डब्बे के पीछे रख दी और तुमने तो बाहर कचरे में ही फेंक दी। बेटा क्या पता मैंने फेंकी या नहीं फेंकी थी, आपने फेंकी है वरना आप कॉफी के लिए रो ना रही होती। क्या मैं रोई हूँ चार दिन से? शक्ल देखो। बताओ ना बेबी, अभी नहीं रो रही, अभी अभी नहीं रो रही, आंसू है, बड़े बड़े आंसू गिले मेरे इन पकौड़ों की तरह, उन्हीं का जो शालिन बना है, उन्हीं की जो काली बन रही है। ऐसा नहीं चाह रहा है कि मेरे साथ ना कोई फंडा करे, हाँ। वो मैंने करना नहीं है क्योंकि अभी हाँ। इसके पास ना कोई है नहीं जिसके साथ, हाँ जिसके साथ फंडा करे ना, अच्छा। तो ये ऐसा मेरा, तो ये ऐसा मेरा कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, तो तुम ये काम करो कि कल सुबह में कहना कि मैंने चाय पी, आधा कप इससे जो है ना चाय निकलवा लो, आधा कप चाय निकलवा, मेरा नहीं बताना कुछ, ओके ठीक है, वो बस तुम कहना मैंने बात दे दी उसको ना, उसका प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक का बैग रख के ना कुछ काम पे लग जाए, चेहरे पर स्माइल रखो, उसको ना मैंने काम पे रख जाना और उसको ना लपेट के वहाँ पे कहीं पे रख देना, ठीक है मैं पी लूँगी, ओके। बाकी जो है कल सुबह मैंने वैसे भी ऑमलेट या अंडा वगैरह नहीं खाया, ठीक है, तो मैं अपना वो स्लाइस वगैरह आइस वगैरह गर्म करके मैं वो चाय पे लगा के मैं खा लूँगी, ठीक है। अगर हम अभी इस वक्त अगर हम एस की बात कर रहे हैं ना, एस की बात कर रहे हैं ना, हाँ उनकी बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसी की यानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिर्फ कुछ आगाह करना चाह रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं पिछले तीन हफ्ते से जो हुए हैं एस के साथ, आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ, हाँ। सो पहले आमना थी तो उसके साथ उसकी एक वो स्टोरी लाइन बनी हुई थी, मेरी तो लड़ाई हो चुकी हुई है, ही वाज नॉट पेइंग मच अटेंशन हियर एंड देयर ना, तो अभी उसके पास कोई वो स्टोरी लाइन बन नहीं रही है ना, आप समझ रहे हो, तो उसको कुछ ना कुछ जो है ना कुछ निकालना है, कुछ या तो आपके साथ करना पड़ रहा है या उसने मेरे साथ करना है, क्योंकि मायरा उसकी ओल्ड फ्रेंड है, बॉन्डिंग है,
मरिया जो है उसके दिन से उसने वैसे नहीं जाना क्योंकि वो वजीर है उसकी, तो फिर वो सजाएँ देगी। आदि और उमर के साथ भी नहीं करेगा खड्डा क्योंकि उनका आपस में एक दोस्ती है या ब्रो वाला कोड है। आप समझ रहे हो चीज़ों को ना हर एंगल से देखो। अब अगर हम उसमें एस की बात कर रहे हैं सो दैट्स माय पॉइंट, सो यू जस्ट बी केयरफुल। जी दोस्तों, आज का खेल बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। हेड एंड शोल्डर की तरह बोझ हटाया कंधे से सईदा ने, रिलायबल भी वही रही डॉलेंस की तरह, और बिल्कुल अपने आप को उन्होंने सेफ किया। खाना तो ये लोग खा ही रहे हैं कश्मीर बनास्पति और कुकिंग ऑयल में, क्योंकि खाना तो सिर्फ एक बहाना है, और नया ब्राइट सब राइट कर दे। मैं अब अंदर जाऊँगा, कौन परेशानी में कौन आसानी में है, कौन घर जा सकता है तमाशा घर से, कौन इधर मजीद खेलेगा। आइए चलते हैं। बैठ जाए, मजा आ गया भाई। बड़ा अफसोस के साथ मैं कहता हूँ भाई, हमारी जो घर की लड़कियां हैं ना वो आप सबसे अच्छा खेल रही है, तो उनके लिए आप लोग तालियां बजाएं। उनका आप खेलने की उनकी टेक्निक देखें यार, कंसंट्रेशन भी है, मजाक भी कर रही है, लड़ भी रही है। एंड आई रियली एंजॉय टुडेज गेम, बड़ा अच्छा आप लोगों ने खेला। लाला कहाँ हैं? लाला वो कड़ी में डूबे हुए, नहीं नहीं वॉशरूम में गए हुए थे। कड़ी क्या बन रही है मैं देखूं तो जरा? देखिए आपका दिल ना खराब हुआ पैसे का, लाला को पकड़ के जरा लाला को पकड़ के ये तो पानी में डाल दिया आपने, क्यों पानी में डाल दिया? ताकि वो सोक करेंगे कड़ी को जब जाएंगे कड़ी में। ये सोक वाले खा ही नहीं सकते पकौड़े? हाँ बेसिकली वो खुद ही वो कर लेते हैं। होगा सर थोड़ा सा वो खा लें, दही बड़े होता है ना। नमक नहीं अभी जी, अभी वो डालना है। वो लाला के लिए थोड़ा, हम मैं तो सोच रहा था कुछ पकोड़े बने हुए होंगे तो मैं खा लूंगा। आई टोल्ड यू ना मायरा, वही नहीं कुछ, आपने हरी चटनी बनानी चाहिए थी पकोड़ों के साथ, वो भी खाते बस। हाँ ये लाला आप अच्छा खेले मगर बैठ जाए मगर जीत ना पाए। मैं तो बड़ा सोच रहा था कि आप जीत जाएंगे आज। मैं खुद कॉन्फिडेंट मतलब हो नहीं सका, इतना दूर था आया नहीं। मगर जैसे भी खेला बहुत अच्छा खेला। एंड सईदा वेल प्लेड, थैंक यू। तो सईदा एंड यू, आप दोनों सेफ हैं, आप सबके सर पे खतरे की घंटी मंडला रही है। कल फिर से मौका दूंगा सेफ होने का, प्लीज जो मैं बताऊं उसको गौर से सुनिए और ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। जाहिर सी बात है मैं खुल के तो नहीं बता दूंगा ना कि ये करना है, खुद दिमाग लगाएं, मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूं आपको। अकल का इम्तिहान है, कल ज़बरदस्त गेम है, तो देखते रहिए हेड एंड शोल्डर तमाशा प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय डॉलेंस इन कश्मीर बनास्पति इन कुकिंग ऑयल ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवर्ल्ड। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और आज वक्त पे सो जाइएगा। तमाशा घर खुदाफिज़। अम्मा बड़ी मजा आती, अम्मा कहती नहीं मेरा तू जदो देखो तू अपने माइक दे बगैर ही बाहर निकल गई। वो कहती नहीं अम्मा जी नहीं, मैं तेरी हुन कोई गल नहीं सुननी। भला कोई माइक भूल रहा है अपना? नहीं नहीं वो मजे का था ना, तू की कह नहीं सी, तू आई तेरे को माइक नहीं सी। मैं समझा चलो कोई नहीं रुकेगी, मैं पसीना आया सी मेरे कपड़े गिले सन तो माइक खराब हो जाएगा। आगे कहती मैं कपड़े बदल नहीं सा, बची है तेरी गफलत है। तो तेरी गफलत है बची है, तू की कीता? तनु माइक लेके आना चाहिए, कपड़े पा के तू एवं छड़ के आ गई। नहीं वो वो आप देखें अम्मा जी, आप आपको पता है कि यहाँ पे सब लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं मुझे टारगेट करते हैं, और फिर अब मैं स्ट्रांग हूँ, आई एम स्ट्रांग। अच्छी लड़की यार, नहीं यार चीज में कोई बुरा कौन है इनमें से? आप आगे, मैं आप लोगों को फिर वो सीन करके दिखाता हूँ जो उमैरा के साथ हुआ था मेरा, ठीक है? उमैरा कहती उमर उमर डोंट डोंट डू, अब उसे चल भी नहीं रही थी उससे,
ये मैं चला रही हूँ, चला, नो, गो, गो, मैं, I'm trying, फिर आगे ना जा सायम के जी, लो, चलाओ, आजा, मरिया मायरा, आजा ले लो अंडा, नहीं ये जो कड़ी को आपने खराब किया वो कौन जिम्मेदारी को भूल करेगा? पकोड़े सही हैं भाई, क्या सही हैं पकोड़े? खड़े ही नहीं हो रहे कहीं यार अजीब आदमी है तेरे को रखते ही लेट जाते हैं तू ना खाना था कोमी तरह ना सुनाना था इनसे आदि आजा क्या खाना तुमने कौन सी रू आगे वजीर बन के मेरे साथ अच्छे हो रहे ना सारे मिनट समझ नहीं आ रही नहीं वो नहीं अच्छे हो रहे तुम्हारे साथ कोई नहीं तुम्हारे साथ सब हमेशा अच्छे हो नहीं प्लीज प्लीज अगर तुम अपना एटीट्यूड यही रखो तो फिर अगर तुमसे क्यों मेरा एटीट्यूड शुरू से यही था एटीट्यूड नहीं तुमने कभी पानी नहीं पूछा हमें मैंने पूछा है दवा पूर्ती जब मैं उठती हूँ क्या तुम इग्नोर हो रही थी उस दिन मरिया नहीं इग्नोर नहीं हो रही थी फिर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी अब लगेगा तमाशा